बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल फैमिली कुकिंग व्लॉग्स। तो उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज घर पे बहुत ही जल्दी हलवा पूरी बनाएंगे, वो भी देसी स्टाइल में। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और इसको बनाना शुरू करते हैं। तो हलवा पूरी बनाने के लिए सबसे पहले पूरियों का डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, उसमें आधा के जी मैं मैदा शामिल कर दूँगी। तो आधा के जी मैदे में 2 कप इस तरह से मैदा आया है, तो ये मैंने डाल दिया है इसमें आधा किलो। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और मैंने आधा कप ऑयल लिया, तो मैं इसमें कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। तो इस पॉइंट पे डालने से पूरियाँ बहुत अच्छी और नरम बनती हैं। तो पहले इसको ड्राई मिक्स करना है हाथ की मदद से अच्छे से। तो देखिए, सब इंग्रेडिएंट्स को मैंने पहले ड्राई मिक्स किया है, उसके बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करूँगी। तो ये मैंने ठंडा पानी नहीं लिया, ये मैंने नीम गर्म पानी लिया है, मतलब रूम टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, इसको मैंने हल्का गर्म कर लिया है। तो सारा पानी मैं एकदम इसमें नहीं डालूँगी, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी और साथ के साथ मैं इसका आटा लगाती जाऊँगी। तो देखिए, पूरियों का जो डो है वो तैयार हो चुका है। तो मैं इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दूंगी और तब तक हम हलवा तैयार कर लेते हैं। तो अब हलवा बनाएंगे। तो बेसिकली जो हलवा पूरियों के साथ खाया जाता है, ये वो हलवा हम बनाएंगे। तो हलवा बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ली है और उसमें मैं 1 कप ऑयल शामिल कर दूँगी। तो फ्लेम को भी मैंने ऑन कर लिया। तो देखिए, बस ऑयल गर्म हो चुका है, मैं इसमें 1 कप सूजी शामिल करूँगी। तो ये मैंने 1 कप सूजी लिया है मेयरमेंट के साथ। तो मैं सूजी को ऑयल में भूनूँगी। तो देखें, सूजी अच्छे से भून चुकी है और इसका कलर जो है वो भी चेंज हो चुका है। तो मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। तो मैंने 1 कप सूजी ली थी। तो मैंने 1 कप सूजी ली थी, तो मैं इसमें 3 कप मेयरमेंट के साथ पानी डाल दूँगी। तो जब सूजी कलर चेंज करेगी तो आपको खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो उसी पॉइंट पे आप समझ जाएं कि सूजी भुन चुकी है। तो देखिए, मैंने मेयरमेंट के साथ 3 कप इसमें पानी डाल दिया है। तो अब मैं इसमें 1 कप चीनी शामिल कर दूंगी। तो मैंने 1 ही कप रखा है, जिसे मैंने सूजी पानी और चीनी का नाप लिया है। तो उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दूंगी, ये ऑप्शनल है, आप लोग डालें तो बहुत अच्छा कलर आएगा, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए, हलवा ठीक होना शुरू हो गया है। तो इस पॉइंट पे मैं इसमें 1/2 टीस्पून इलायची एसेंस शामिल कर दूँगी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। मैं साथ ही थोड़ी गरी डाल दूँगी इसमें, आप लोग कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं अपनी चॉइस के। तो देखिए, हलवा ठीक हो चुका है। तो अभी और रिलीज़ करेगा तो इसका मतलब हलवा रेडी हो चुका है। और आपने देखा कि फूड कलर डालने से इसका कितना प्यारा कलर आ गया है। तो बस फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, बस आधा घंटा हो चुका है, रेस्ट आ चुका है पूरियों के डो को। तो मैं अब इनकी पूरियाँ बनाऊंगी, जिसके लिए थोड़ा सा मैंने डो का पार्ट लिया है, ऐसे इसको गोल करके बना लूँगी मैं। तो देखिए, इस तरह से ये पूरियाँ मैंने बना ली हैं। तो हम इनको बेलेंगे। तो देखें, इस तरह एक मैंने बेलन लिया है, उसके ऊपर थोड़ा आटा से स्प्रिंकल कर लिया है। मैं पूरियां बेल लूँगी। तो पूरियों को फ्राई करने के लिए मैंने फ्राई पैन में ऑयल डाल के उसको गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें जो पूरी मैंने बनाई है वो डाल दूँगी। तो देखिए, पूरी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो मैं इसको निकाल लूँगी। तो बेसिकली पूरियों को फ्राई करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगर आपका ऑयल गर्म है तो 1 से 2 मिनट में ये फ्राई हो जाती है।
मैं इसमें कोई पूरी डाल दूंगी। तो एक दो मैंने आपको बना के दिखा दी हैं, बाकी भी इसी तरह मैं बना लूंगी। तो देखिए दूसरी पूरी भी इसी तरह फ्राई हो चुकी है, मैं इसको निकाल लूंगी। ठीक है, बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हलवा मैंने पहले ही रेडी कर लिया था, अब पूरी मैंने फ्राई कर ली है। आपने देखा कितना झटपट हमने ये बहुत ही आसान नाश्ता घर पे बना लिया है। तो आप इस तरह से इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो मैं इस वीडियो के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मुझे दो में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर अगले वीडियोस में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल फैमिली कुकिंग व्लॉग्स। तो उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज घर पे बहुत ही जल्दी हलवा पूरी बनाएंगे, वो भी देसी स्टाइल में। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और इसको बनाना शुरू करते हैं।